फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रीति। वेलकम टू राइट फूड राइट मूड। आज राइट फूड राइट मूड की किचन में हम बनाएंगे एक हेल्दी और फ्लेवरफुल चटपटा फ्रूट चाट। सभी अलग अलग फ्रूट्स के अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं, तो वो सभी बेनिफिट्स को हम इकट्ठा करेंगे और उसे देंगे एक टेंगी और जायके वाला फ्लेवर और खिलाएंगे अपनी फैमिली को। तो देखेंगे हम कैसे बनाएंगे फ्रूट चाट। हेलो फ्रेंड्स, आप सबके बच्चे भी आपको आई एम श्योर फ्रूट्स खाने में तंग करते होंगे, तो उसी के लिए आज हमने सोचा कि ट्राई करते हैं, फ्रूट्स को एक मेकओवर देते हैं। तो हम उसको फ्रूट चाट बनाते हैं, क्योंकि चाट सुनते ही तो आई गेस कि बच्चे बहुत जल्दी इसको खा लेंगे। खाएंगे फ्रूट चाट बच्चों के लिए घर पर, जो कि बच्चे फटाफट से खा जाएंगे। बच्चे भी हैप्पी और ममा भी कि जितने फ्रूट्स आप चाहती थी वो बच्चे ने सब खा लिए हैं। तो इसके लिए मैंने ये फ्रूट्स लिए हैं, जिसमें मैंने लिया है ये वाटरमेलन है, 2 बनानास है, पपाया है, एप्पल को मैंने अभी अभी काटा और उसके ऊपर थोड़ा सा लेमन जूस मैं डाल देती हूँ ताकि वो अभी रेड नहीं होगा। आप एक टिप, आप अगर एप्पल को कभी भी बच्चों के फ्रूट बॉक्स में पैक करना चाहें काट के, तो आप उस पर सिर्फ लेमन जूस डाल दीजिए, तो वो एज इट इज़ वाइट ही रहेगा, वो रेड नहीं होता। और ये कुछ मैंने बॉइल्ड पटैटोज़ लिए हैं, अराउंड 3 पटैटोज़ लिए हैं। पटैटो को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बॉईल नहीं करना है, इतना कि वो खाने में कच्चा नहीं लगे और ऐसे टूटे नहीं। इसको क्रिस्प करने के लिए मैं इसमें 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा कॉर्नफ्लोर इसमें स्प्रिंकल करके इसको मिक्स कर दूँगी, ताकि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाएंगे। ये देखिए, बस उतना ही, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 टीस्पून या उससे हल्का सा ज़्यादा आप देख लीजिएगा। और इसमें कोई भी फ्रूट अगर आप और ऐड करना चाहती हैं, कम करना चाहती हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन यू ओनली। मसाले एक बार देख लेते हैं। प्लेन सॉल्ट मैंने लिया है, क्वांटिटी मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ कि इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट कि आप कौन सा मसाला कितना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये मैंने भुना जीरा लिया है, काला नमक, ब्लैक पेपर पाउडर, ये टैमरिंड पल्प है, इमली का पल्प। ये मार्केट से भी मिलता है और आप इसे घर में इमली को भिगा के रखिए, सीडलेस को, या उसमें से सीड निकाल दीजिए और उसको मिक्सी में इसको ग्राइंड कर लीजिए, तो ये पल्प रेडी हो जाएगा। और ये मेरे पास ग्रीन चटनी बनी हुई थी। ग्रीन चटनी की रेसिपी के लिए आप मेरा दूसरे वीडियोज़ देख सकते हैं, जिसमें मैंने काफ़ी तरह की चटनीज़ बनाना सिखाया। एक ये चाट मसाला, और पैन में मैं इसे घी में फ्राई कर रही हूँ, आपकी अपनी चॉइस है आप इसमें किस में फ्राई करना चाहते हैं। चलिए अब हम अपने पटाटोज़ को गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेते हैं। ये घी गरम हो रहा है, ये हमारा घी गरम हो गया है। मैं इसे आराम से पटाटोज़ को डाल दे रही हूँ फ्राई होने। ये हमें एकदम क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। गैस को मीडियम हाई पे रखेंगे हम, क्योंकि हमारे पटाटोज ऑलरेडी कुक्ड हैं, बॉइल्ड हैं। ये देखिए, आप पटाटोज को डीप फ्राई ना करना चाहें तो आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, वो एक थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है और इसमें हर तरफ से अच्छे से सिक जाते हैं, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि इसको डीप फ्राई कर लेते हैं। आवाज़ सुन रहे हैं आप। इसी तरीके से पटाटोज़ को थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। इतने हम बाकी के फ्रूट्स अपने मिक्सिंग बोल में मिक्स कर लेते हैं। ये गया एप्पल, पपाया, सी मैचिंग कलर। फ्रूट चाट जैसे ही मैंने आज कपड़े पहने। ये वाटरमेलन, समर्स में बहुत सारे फ्रूट्स और भी आते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो इसमें मिला सकते हैं। और ये मैं डाल दूंगी इसमें पटाटोस। बोल कुछ ज़्यादा भर गया है, तो आई गेस कि मैं इसे ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। salt according to your taste, चटनी में भी सॉल्ट है याद रखिएगा, और चाट मसाले में भी, तो उसी हिसाब से डालिएगा। भुना जीरा अच्छा सा, ब्लैक सॉल्ट थोड़ा सा, ब्लैक पेपर पाउडर थोड़ा सा, आप चाहें तो रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। मैं अभी अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि चटनी भी मेरी काफ़ी तीखी है। ये गया ग्रीन चटनी, इसकी ना खुशबू ही इतनी अच्छी लग रही है कि मतलब यू कांट वेट। ये टैमरिंड पल्प, इमली का पल्प, और अगर आप खट्टा मीठा इसको फ्लेवर देना चाहते हैं तो थोड़ा सा शुगर पाउडर ऐड कर दीजिए, मैं नहीं कर रही हूँ। ये लेमन जूस खूब अच्छा सा, मैंने करीब 1.5 लेमन इसमें स्क्वीज किया है, आप देख लीजिएगा आपको कितना चाहिए। चाट रेडी है, खुशबू आई आप तक? तो जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, आप बिल्कुल बताना मत भूलिएगा मुझे कि ये चाट देख के आपके मुंह में पानी आया कि नहीं, या आपने इस चाट को जब बनाया तो आपके बच्चों ने इसे कितना पसंद किया। और अपनी रेसिपीज़ के वीडियोस या आप अपनी रेसिपीज़ मुझे लिखकर भी शेयर करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। थैंक यू सो मच।